और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएनबी घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी कैरेबियाई देश डोमिनिका से गिरफ्तार हो गया है। 14,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी फरार आरोपी मेहुल 2 दिन पहले एंटीगुआ से लापता हो गया था। अब खबर है कि उसे डोमिनिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत जल्द मेहुल चौकसी भारत को सौंपा जा सकता है। चौदह हजार करोड़ रुपए घोटाले का ये वही आरोपी मेहुल चौकसी है जो 3 सालों से फरार था, लेकिन अब ये बहुत जल्द भारतीय एजेंसियों के कब्जे में होगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए मेहुल चौकसी ने कैरिबियाई देश एंटीगुआ और बरबुडा में शरण ले रखी थी, लेकिन जैसे ही उसे शक हुआ कि अब वो और ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा तो पिछले रविवार को वो अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल समेत एंटीगुआ दूतावास से संपर्क साधा था और गहन छानबीन के बाद ये एंटीगुआ से सटे आइलैंड नेशन डोमिनिका में पकड़ा गया है और बहुत जल्द इसे सीधे भारतीय एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। इसकी पुष्टि खुद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने की है। We have said to the Dominican authorities, though, not to repatriate him to Antigua, where he has constitutional and legal protections, but to have him deported directly to India. मेहुल चौकसी ने साल 2017 में एंटीगुआ और बरबुडा की निवेश आधारित नागरिकता ली थी, लेकिन जैसे ही उसके घोटालों की पोल खुली वो साल 2018 में एंटीगुआ जा छुपा। नियमों के मुताबिक मेहुल चौकसी के पास एंटीगुआ का संवैधानिक संरक्षण हासिल था, इसलिए उसकी नागरिकता रद्द होने तक उसे भारत को नहीं सौंपा जा सकता था, लेकिन डोमिनिका में उसके पास नागरिक अधिकार नहीं है, इसलिए उसे अब भारत के हवाले करने का रास्ता साफ हो गया है। एंटीगुआ और बरबुडा के कानून के तहत गैस्टन ब्राउन की सरकार चौकसी को अपने देश आने से नहीं रोक सकती, इसलिए उन्होंने डोमिनिका सरकार से मेहुल को सीधे भारत को सौंपने के लिए कहा है ताकि उसे अपने घोटाले की सजा मिल सके। और वैसे प्रतिमा, मेहुल चौकसी तो सिर्फ एक नाम है जिसने घोटाले को अंजाम दिया। घोटाला करने वालों में नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे नाम भी शामिल हैं। बिल्कुल मल्लिका, और सरकार के लिए चुनौती ऐसे लोगों को जल्द से जल्द प्रत्यर्पण कराने की है। तो मुमकिन है मेहुल चौकसी अगले कुछ दिनों में भारत आएगा और उसे भारतीय कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, लेकिन ये काम एंटीगुआ सरकार की मदद के बिना मुमकिन नहीं था। इस मौके पर एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। एंटीगुआ बारबुडा में छुप कर रह रहे, भाग कर रह रहे मेहुल चौकसी को डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एंटीगुआ बारबुडा के प्राइम मिनिस्टर गैस्टन ब्राउन है। सर, वेलकम टू एबीपी न्यूज, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वॉन्ट टू हैव योर रिएक्शन दैट इंडियन इकोनॉमिक ऑफेंडर मेहुल चौकसी, हु वॉज रिसाइडिंग इन एंटीगुआ बारबुडा इन योर कंट्री, हैज बीन कॉट इन डोमिनिका, नदर कैरेबियन कंट्री। How do you see this development as, and what will be your next course of action? We had put out an Interpol green notice listing him as a missing person. So he was actually found in Dominica, and the Dominican government is now making arrangements to have him repatriated. What will be the status of his citizenship? Because there have been reports that his citizenship or his CIP, the investment-based citizenship, is being revoked by the Antigua Barbuda government. So can you please clarify on that, sir? That's correct, but he enjoys a stay of execution because the matter is still before the courts. In fact, he has 2 cases before the Antiguan and Barbudan courts. One is for the revocation of the citizenship, and the second one is for his extradition. So he's been able to skillfully use the court system in order to delay the process. We had no doubt, though, that he would have eventually exhausted his appeals and that ultimately his citizenship would have been revoked and that he would have been repatriated. So again, it was just a matter of time. What would be your message to people in India, those who were concerned about, Mehul Chokshi using the Antigua Barbuda rules and provisions to hide in Antigua Barbuda or the Caribbean space? So what will be your message? The Indian people can be assured of the full support of the Antiguan government on various issues. In fact, let me also extend our empathy on the COVID situation in India. We continue to pray for the Indian people. And I also want to thank Prime Minister Modi once again for that act of benevolence in which he made over 500,000 vaccines available to the Caribbean people, which in essence would have avoided or precluded us from enduring maybe tens of thousands of deaths. Thank you very much. Thank you. Cheers. Good. Thank you. Cheers.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।